असंतुलन कैसा भी हो, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, किसी भी प्रकार का हो, वो हमारे लिए कष्टकारक होता है, दुखदायी होता है। तो ऐसे ही जब शरीर में असंतुलन हो जाता है, तो किसी भी प्रकार का वात पित्त कफ का हो, शरीर का अधिक मोटा हो जाना, शरीर अधिक छीण हो जाता है, दुबला हो जाता है, तो उससे व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और शरीर जब दुबला होता है, पतला होता है, तो इसमें थोड़ा कम समस्याएं होती है, लेकिन जब शरीर फैट ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उसको बहुत सारे रोगों को अपने साथ में आमंत्रित कर लेता है और हमें दुखी करता रहता है, परेशान करता रहता है। तो ऐसे ही हमारे साथ में रोहन जी हैं, जो आपको देखते लगते हैं कि भाई थोड़ा तगड़े हैं। तो रोहन जी अभी दोबारा आए हैं हमारे पास, और अभी पूछते हैं इनसे कि कहाँ से आए हैं, इनकी क्या स्थिति है, स्थिति कैसे हुई, क्या किया इन्होंने और अभी क्या स्थिति है इनकी। तो रोहन जी, आप कहाँ से आए हैं? स्वामी जी, मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से आया हूँ। जी, मैं जब यहाँ पर आया था तब मेरा वजन था 172 किलो। कब आए थे आप? मैं आया था 2023 जुलाई महीने में आया था। जुलाई में? जुलाई से मैं अगस्त यहाँ रुका था, अच्छा, मतलब करीबन 37-38 दिन रुका था यहाँ पे। अड़तीस दिन में किया तब था, मेरा 20 किलो वजन यहाँ से कम करके गया था मैं। 38 दिन में? 38 दिन में 20 किलो वजन कम किया था मैंने। और फिर मैंने घर जाके वही डाइट और अच्छा, वही योगा कंटिन्यू करा, तो आज मेरा वजन हो गया है 120 किलो। 120 लगभग लगभग मैंने 52 किलो52 किलो वजन वजन कम का। करा तो है। इसमें आपने, क्योंकि अब और लोगों को एक जिज्ञासा होती है कि एक मैं भी जानूं कि इन्होंने 52 किलो वजन कैसे कम किया, नहीं तो लोगों का टोटली 52 किलो होता है, तो इन्होंने 52 किलो कैसे कम कर लिया, क्योंकि मोटे लोग तो बहुत ज़्यादा हैं और फिर वो बेचारे खुद भी दुखी रहते हैं और धरती माता को भी दुखी करते हैं। जी बिल्कुल हाँ स्वामी जी, जी, मेरा गुरुदेव का आशीर्वाद था। मेरा मतलब मैंने बिल्कुल मेरी खाने की जो कैपेसिटी थी उसको बहुत तो कंट्रोल क्या खा करी। करके आपने इतना ही बढ़ाया? हम लोग शुरू से प्योर मतलब मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो हमारे तो घी तेल बहुत ज्यादा यूज में आता है। हर चीज में मीठा घी तेल बहुत ज्यादा चलता है, तो उसके कारण वजन बढ़ता गया बढ़ता गया। मुझे अस्थमा भी अच्छा, था। एज कितनी हो गई आपकी? मेरी एज अभी 27वां चल रहा है मेरे को। हाँ, 27 साल चल रहा और मेरे को अस्थमा भी था, है। ओ तो अस्थमा के लिए मैं इनहेलर लेता था, अच्छा, तो वो इनहेलर के कारण मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ता अस्थमा कब से था? था। अब अस्थमा मुझे बचपन से था, जब जब से मैं 6 महीने का तब से मुझे अस्थमा था। अब अस्थमा का भी पिछले जब मैं जुलाई महीने में आया था तब से मुझे अस्थमा की भी कोई शिकायत नहीं। मेरे में अस्थमा बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो चुका है। वजन भी दिन पर दिन घट ही रहा है। और ये जो 52 किलो आपने वजन कम किया, ये कैसे किया ये बताओ इनको। 52 किलो वजन कम करने के लिए मैंने बस एक अपने मन पे पहले सबसे पहले निश्चय कर लिया, फिर उसके बाद सुबह उठ के योगा हमने करता संकल्प जो है ना हमारा, था। जब हाँ, गुरुदेव कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प, बस गुरुदेव ने मुझे विकल्प रहित संकल्प। गुरुदेव ने टारगेट दिया था, और आपने भी बोला था कि आपको हम 70 किलो पे लाके दिखाएंगे, जी, जिसमें अभी 50 हुआ है। 50 किलो और अगली बार आऊंगा तो 50 किलो और कम करके आऊंगा। क्योंकि जिसने 50 किलो कम कर लिया तो उसको लगता है कि भाई अब तो सहज हो गया, क्योंकि 50 किलो कम करना वजन बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट में क्या क्या लिया, अपने डाइट में क्या क्या लिया, योग क्या क्या किया, वो बताइए हमें। योग में मैंने जैसे मैं सबसे ज्यादा योग में मैंने सारे जो मोटापे के आसन थे, मोटापे का पैकेज वो था पैकेज है। वो पूरा करा। सबसे पहले योगिक योगिक जॉगिंग से चालू करता था, जंपिंग करता था, फिर उसके बाद अपने सूर्य नमस्कार करता था, मैं भुजंगासन करता था, फिर उसके अलावा दिव्य चक्री का आसन दिव्य करता चक्री था, का आसन, फिर अपने ये चक्की स्थिरकोण स्थिरकोणासन, चक्की आसन, आसन, और ये सब आसन है, पाद पादद्वयासन विद्यासन, और अर्घलासन। अर्धलासन, और ये सारे आसन मैं करता था जो मुझे पिछली बार पैकेज बना के दिया था। मेरा वो पैकेज था। उसके बाद मैं गर्म पानी नींबू, सुबह उठते गर्म पानी और नींबू लेता था, और गोधन अर्घ, गोधन अर्घ भी डेली लेता था।
फिर उसके बाद गोदन, सबसे पहले उठते पहले गोदन और गर्म पानी में लेता, फिर नींबू और गर्म पानी लेता था। फिर उसके बाद मैं जो भी मेरे को जैसे कुछ भी खाने की इच्छा होती थी तो मैं 11 बजे तक अपना खाना खा के कंप्लीट हो जाता था। फिर उसके बाद फास्टिंग करता था। फिर मैं शाम को 4-5 बजे करीब कुछ एप्पल या फ्रूट्स खा लेता था। फिर मैं वापस अगले दिन सुबह ही कुछ खाता था। और ये दाल रोटी पूड़ी और ये सब, दाल रोटी पूड़ी अभी सब सब बंद कर रखा, सब बंद कर रखा मैंने। मतलब और ट्रीटमेंट क्या क्या कराया है? मैंने ट्रीटमेंट यहाँ पे जैसे वाइब्रो कराया, फिर अपने पाउडर मसाज कराई, जकूसी कराई, उद्वर्तन कराया, गर्म ठंडे पानी का सेक कराया, फिर एनीमा लगवाया, कॉलोन करवाया, जैसे सारी थेरेपी मैंने यहाँ पे मोटापे के लिए करवाई है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे जो बेचारे बहुत आपके जैसे हो रखे हैं? मेरा तो एक ही कहना है, अगर जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक बार आप पतंजलि आइए, आप अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको कोई ऑपरेशन किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऑपरेशन भी करते हैं ना लोग? ऑपरेशन भी करते हैं। आज हमारे बोलते हैं उसे उसका मतलब कहते हैं कि अपनी जो पेट की खाने की चर्बी होती है उसको काट के छोटी कर देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसका बायोटिक सर्जरी, बायोटिक सर्जरी कहते हैं उसको। तो बायोटिक सर्जरी वगैरह कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, आपका अपने आप ही वजन कम हो जाएगा। अपने आप नहीं करना पड़ेगा भाई, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत अपने पास है लेकिन बिना ऑपरेशन के भी अपन बिना नेचुरल तरीके से, जैसे बिना शरीर को किया ना कि भाई एक संकल्प किया कि हमें इतना वजन कम करना है, हमें इतना वजन कम करना और इतने दिन में, तो टारगेट लेते हैं किसी कार्य के लिए कि भाई हमें इतने दिन में टारगेट पूरा करना। मेरा टारगेट है कि आने वाली दिवाली तक मेरा वजन 70-80 किलो बीच में ले आऊंगा। हम संकल्प जब हमारा होता, दृढ़ संकल्प जब होता है ना, गुरुदेव कहते हैं ना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और विकल्प रहित संकल्प। तो जब कोई विकल्प नहीं होता हमारे मन में कि भाई ठीक है चलो, जैसे सुबह उठने का है तो बोले ठीक है चलो उठ जाएंगे आज, तो सो गए। मतलब मैं रात को 2 बजे में आके सोऊंगा तो भी सुबह 6 से 8 मेरे को योगा करनी है, मतलब करनी है। तो जब हम एक अपनी दिनचर्या, अपना खान पान सारा सुव्यवस्थित कर लेते हैं, तो जो हमारा जीवन क्या, हमारा शरीर तो सामान्य चीज है, हमारा जीवन संसार परिवार सारा व्यवस्थित हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ऐसे जैसे रोहन जी ने 52 किलो वजन कम किया एक संकल्प के साथ में, तो आप सभी भी अगर ऐसी समस्याओं से परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो आप भी एक संकल्प कीजिए और कुछ दिन के लिए, क्योंकि जब हम एक वातावरण में ढलना होता है, एक हमें कुछ अलग करना, तो उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसके लिए गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो आप पतंजलि में आए और जैसे रोहन जी ने सीख करके यहाँ पर 45 दिन रुके, 40 दिन रुके, फिर उसके बाद में घर जा करके 30-40 किलो कम किया, 30 किलो घर जा करके कम किया। तो अगर आप 1 महीने यहाँ पर 15 दिन रुक जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, हमें कैसे जीवन जीना है। तो आप भी ऐसे ही अपना मोटापे से मुक्त हो सकते हैं। रोग तो किसी समय भी किसी को भी हो सकते हैं और उसमें किसी प्रकार से उसके अलग अलग कारण होते हैं। कैंसर जैसे रोग अब सामान्य लोगों को होने लगे और ये सामान्य सी बीमारी हो गई, जिसमें लोगों को अनावश्यक सर्जरी के कारण, उसमें अनावश्यक एलोपैथ की दवाइयों के कारण, उसमें उसके तंबाकू आदि भी, गुटखा आदि, अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक जिन्होंने कैंसर के विजेता हैं, कैंसर को जिन्होंने हरा दिया, कन्हैया लाल जी। कहाँ से आए कन्हैया लाल जी आप? घोरावल टाउन एरिया है, जिला सोनभद्र है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश से जी। तो कैसे हुआ कैंसर और आपको? मेरी उम्र 52 साल है, मैं इसके पहले योग करता था, बीमार नहीं था। अच्छा। और एकाएक हमारे पेट में दर्द होने लगा, तो डॉक्टर के यहाँ गए तो बोले कि आपके पित्ताशय में पथरी हो गया है 18 mm का, तो बोले कि आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो फिर हम मजबूर होकर डर करके जाकर तुरंत ऑपरेशन करवा दिए। 10-15 दिन अपने यहाँ रखे, इसके बाद और कोई जांच किया नहीं उन्होंने, बोला आप ठीक हैं, अब जाओ खाओ पियो मस्त रहो। तकरीबन 2 महीने तक मैं कुछ ठीक रहा, कुछ का ठीक हो गया, खाने पीने लगा, चलने फिरने सब कुछ लगा। इसके बाद मेरे पेट में फिर दर्द पुनः होने लगा। अच्छा।
और वो पेट फूलने लगा और दर्द शुरू हो गया। मैं बिल्कुल वीकनेस होता गया, तकलीफ बढ़ती गई। फिर पुनः बनारस के प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, 8 दिन वहाँ तक रहा। वहाँ मुझे कोई मेरा 20,000 रुपया ले लिया, कोई इलाज मेरा सही नहीं हुआ। मुझे अब लगा कि अब कहाँ जाएं, तो फिर लगा कि BHU है वहाँ चलते हैं जी। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने कहा कि तुरंत आपको एडमिट होना है। अच्छा। तुरंत एडमिट नहीं होंगे तो आप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि मर भी सकते हो। हाँ, बस यही बोले कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि मैं तो कोई व्यवस्था लेकर आया नहीं हूँ, तो कैसे रहूँ। कहे आपकी मर्जी, आप जाओ या करो। तो मैं और मेरा परिवार दो लोग थे, तो मतलब जीने की इच्छा रही। तो फिर तुरंत हम एडमिट हो गए आनंद फानन में, और तकरीबन 22 दिन हम BHU में रहे। अच्छा। बनारस BHU में जो 20-22 दिन के बाद आज ये जांच, मतलब कितने जांच करवाते रहे, और जांच कराने के बाद ये पता नहीं चला कि कैंसर है या क्या है। उन्होंने कहा कि असमंजस है, क्लियर नहीं हो सकता है, बायोप्सी मेरे यहाँ नहीं हो पाएगी, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी है, जिसके वजह से आप हमारी हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं हो। अब ये बिना बायोप्सी का क्लियर नहीं होगा। एक महीना लगा दिया और कुछ पता नहीं चला है, कुछ पता नहीं उनको चला। पैंक्रियाटिक बता रहे थे कि पैंक्रियाटिक में पूछा क्या कैंसर है, जो उनके प्रोफेसर थे उनकी टीम थी, तो उन्होंने कहा नहीं कैंसर नहीं है, 2-5% हो भी सकता है। पैंक्रियाटिक ट्यूब कोई बोल रोग हमें नहीं जानता क्या है, तो बोले ये पैंक्रियाटिक ट्यूब है। तो फिर मैंने बोला क्या हुआ, कहीं ये ठीक हो जाएगा। मैं चला गया घर, बोले कि आप घर जाइए। 5-7 दिन के बाद मेरी हालत और ख़राब हो गई। फिर मैं पुनः डॉक्टर से मिला, तो उन्होंने कहा कि आप PGI जाइए। अच्छा, लखनऊ। फिर मैं कुछ व्यवस्था व्यवस्था करके PGI गया। PGI जाने के बाद तकरीबन 15-18 दिन तक इस BHU के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जांच कराया, बायोप्सी और पेट CT, ये याद है, और सारी जांचें जो कराए हों ये दो चीज़ें याद है। तो 18-20 दिन के बाद उन्होंने जब रिपोर्ट आई, तो उन्होंने कहा कि आपको 4th ग्रेड में, जो भी उसके 4th नंबर में बताया, कि 4th नंबर में आपको कैंसर हो गया है, और आपका पीलिया बहुत 5.8 याद है मुझे, बोले कि इसमें लगाना है आपको, अंदर पेट में ही लगेगा, कुछ लगाने को बोल रहे थे। मैंने कहा कि एक तो मेरा पित्ताशय पर गड़बड़ी किया, तो मैं यहाँ तक पहुँचाया, अब अंदर पेट में क्या आप लगाओगे, अब मैं नहीं करूँगा। बोले कि आपकी पीलिया बड़ी है। फिर उन्होंने कैंसर वाले डॉक्टर के यहाँ रिफर कर दिया। कैंसर के डॉक्टर देखे, बोले कि आपके अंदर वीकनेस बहुत ज़बरदस्त है, आपको कीमो के अलावा और कुछ नहीं, कीमो। तो हमने बोला कि तब कीमो क्या हो लगेगा, कहे आपके अंदर वीकनेस है, आपको कीमो नहीं लग पाएगा, कीमो लगेगा तो आप सेल हो जाएंगे। तो मैं बोला तब मैं क्या करूँ, मैं डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, तो बोले कि आप घर जाइए। मैं बोला सर दवा कराने मैं यहाँ हूँ, तो घर कैसे ठीक होंगे, कहें जा कर के ये पीलिया की दवा कराइए। तो पीलिया का कैंसर आपको तो मुंह का हुआ, फिर वो बोले जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, वो डॉक्टर बोले ऐसा, ये मुझसे बोले, और जो मेरे गाइडर थे घर के बच्चे और बच्चियाँ थी, तो उनसे कहे कि अब इनको घर ले जाइए, घर ले जाओ। अब 2-10 दिन के अंदर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। व्यक्ति को जब होता है ना ऐसा ऐसा बता दिया जाता है कि अब तो भाई आपका समय आ गया, और व्यक्ति के सामने पूरा परिवार होता है, उसकी जिम्मेवारियां होती हैं, तो व्यक्ति को अपनी इतनी चिंता नहीं होती जितनी परिवार की अपनी जिम्मेवारियों की परवाह होती है। इसके बाद मैं दूसरे दिन पूछा बच्चों से, भाई आप बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि ये कैंसर हो गया। कोई नहीं, अब तो अच्छा कर लिया ना आपने उस समय की बात। हाँ, व्यक्ति को जो वो पुरानी स्मृतियाँ आती हैं ना, एकदम से अंधेरा छा जाता है सामने की, ये क्या हो गया। तो मेरे बच्चे रोने लगे। उसी समय मुझे याद आया, मैं TV देखता था। तो महात्मा जी ने कहा था कि प्राणायाम और आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो सकता है। मेरे दिमाग में बहुत बड़ी अंदर से शक्ति निकली, ज्वाला निकला, और मेरे अंदर में ताकत हुई, मेरा डर
खत्म हो गया, खत्म हो गया। कि जब डॉक्टर मुझे बोला था कि आपका इलाज संभव नहीं है, तो मुझे कोई रास्ता है नहीं। तो वही ये चीज मेरे दिमाग घुसी और मेरे अंदर से डर खत्म हो गया, जो आज तक डर नहीं है। और मैं बच्चों से बोला कि मुझे घर ले चलो, क्योंकि अब मेरे पास इतना पैसे नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ। तो बच्चों ने और कहीं ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं गया। यहाँ तक कि टिकट भी हो गया था कहीं जाने के लिए। मैं कहा साहब चीटिंग करेंगे, जब मरना है तो हम आयुर्वेद और योग करके मरेंगे और जियेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। ले चलो घर, जबरदस्ती में घर आया। घर आने के बाद लोगों की ताता लगने लगी कि आप चलिए मिल लिया जाए। अब कैंसर हो गया, चौथे स्टेज में है, चौथे स्टेज में है, तो ये अब इनकी लड़ाई खत्म हो गई, ये मिल लिया जाए, लड़ाई खत्म हो गई। तो लड़ाई वो चीज मेरे दिमाग में रील चलती थी स्वामी जी का, और वे मेरे हमेशा दिमाग पर स्वामी जी ही चलते थे। मतलब कुछ भी होता था लेकिन उनका ही फोटो मेरे सामने दिखता था। तो शुरू में मैं ये क्या नाम से आप थोड़ा बहुत जो याद है इस समय उसमें सबसे पहले गोमूत्र मतलब गाय बछिए का सुबह में लाइन लगाता था और 25-30 ग्राम दो तीन घोट मरता था। अच्छा हाँ, दो तीन घोट ऐसे पी लेता है कि मरना ही है तो क्या डरना है, और नहीं तो जी जा जाएंगे तो जी जाएंगे। इसे तो सबसे पहले वो लेता था, ले लिए। फिर इसके बाद घर पर ये आते थे तो जई जौ को जमाई हुई जड़ी थी वो, और गिलो दोनों का वो पिसवा करके कच्चा मैं उसको लेना पीना शुरू किया। जवारा और फिर उसके बाद तीसरे आइटम में ये जो पंचरस है उसको ले लिया। हाँ 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 जी, इसका रस एलोवेरा जी जी, ये सारी चीजें जो बताते हैं जी जी, एंटी कैंसर जो पेस्ट या जूस जी, मैं वो लेता रहा। और ये खाने में मूंग मेथी और जई जमा करके इसको ये खाता रहा, अंकुरित करके। और बीच में जो BHU के डॉक्टर थे उनसे हमारी फोन से वो इतना सहयोग करते थे कि फोन से बात करते थे। तो बच्चे की FT LFT और क्या बोलते हैं CBC तीन जांच करवाते थे। तो रिपोर्ट जब देखने के लिए बुलाए तो हम गए थे उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेथी धनिया और ये से आप ठीक होंगे। तो हम कहे जब आप लोग नहीं ठीक कर पाए तो हम जाएं कहाँ, मैं इसी पर संतोष किया हूँ, यही खा रहा हूँ। कैसा, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। मैं यही खाता रहा और इसके साथ मैं सबसे बड़ा ताकत मुझे क्या मिला, उस समय मैं बैठ नहीं पाता था। विधायक विधायक जो मेरे नज़दीकी थे मिलने आए थे मिलने के लिए, तो लेकिन हंसने की मेरी जो मिलने आता था तो मैं हंसता था। और यही मेरे दिमाग बात आया कि प्राणायाम करना है, लेटे बैठे मतलब जिस भी परिस्थिति में रहता था मैं प्राणायाम करता, जो भी आता था मुझे कुछ 19-20 थोड़ा भी होता था लेकिन मैं करता रहा प्राणायाम करते करते। और ये सब सारी प्रक्रिया करते करते मैं चलने लगा, वही घर पे घर पर ही बस इन्हीं औषधियों को लेते हुए मैं चलने फिरने लगा। कब आए, बस जब ये चल मेरे दिमाग में आस्था लगी थी कि महात्मा जैसे हम जरूर मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, अब तो मैं ठीक हो गया। कई बातों पर मैं चलने तो लगा अभी जी। और मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि 5 से 10 दिन के लिए, मैं इसको हंसी में उड़ाता था कि 5 से 10 दिन के लिए PGI मुझे घर भेजा था, आज इतना समय हो गया और मैं जी गया, क्योंकि इतना दिन तक जी लिया तो आप महात्मा जी से आशीर्वाद कर लेंगे, ले लेंगे तो फिर हम आप दूसरों के लिए जियेंगे। तो फिर वो किस तारीख की धारा है 4 को या याद नहीं है आपके आए हैं संजोग की महात्मा जी से मेरा तुरंत आशीर्वाद। अभी दोबारा आए हैं, पहली बार आए। अब प्रॉब्लम मेरा ये, कन्हैया लाल जी ने अपना घर पे ही ठीक कर लिया और यहाँ तो केवल आशीर्वाद के लिए आए हैं। उसमें कमियां थोड़ी सी रह गई थी कि थोड़ा डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, नहीं मेरे पेट में
वो फ्लूट बनने लगा था। तो 20 दिन 10 से 12 15 कब फ्लूट बन जाता था, मैं इससे परेशान था। तो मुझे लगा फ्लूट निकलवाते जाते थे हम, तो निकलवाते निकलवाते इतने दिन बीत गया जो फ्लूट निकलता था। वो बोला भैया दो तीन बार के बाद कोई आता नहीं, आप इतने दिन तक कैसे है। मैं बोला कि पढ़ाया हम और स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं ये आयुर्वेद की दवा करता रहा मैं इतने दिन तक हूँ। फिर दिमाग में आया कि अब जो ये फ्लूट बन रहा है आप चलेंगे आशीर्वाद ले लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो आए महात्मा जी से मुलाकात मेरी हुई है 3-4 दिन पहले और मैं ठीक हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि ये फ्लूट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एम्स में भी गए थे तो एम्स बोला, एम्स का डॉक्टर 4-5 दिन के बाद बोले हैं दिल्ली एम्स कि ये फ्लूट लाइफ में ठीक नहीं होगा, लाइफ टाइम रहेगा। जो आपने कैंसर को ठीक कर लिया, तब मेरे दिमाग में हंस रहा था कि जब मैं कैंसर ठीक कर लिया तो लूट फ्लूट तो ठीक हो जाएगा, महात्मा जी के यहाँ चलेगा कोई और जड़ी उड़ी होगी। जैसे कन्हैया लाल जी ने अपना कैंसर ठीक कर लिया, इनकी कहानी नहीं सुना रहे थे कि भाई तो कहानी है तो क्या सुनाया जा रहा है, इनका एक्सपीरियंस है, इनके अनुभव जो इनके जीवन में एक अलग ही पड़ाव आया जी। दुख का एक पहाड़ सा सामने आया कि भाई इसको कैसे लांग सकते हैं हम, लेकिन जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होती होता है, अपनी संस्कृति आयुर्वेद योग के प्रति श्रद्धा होते तो हम कुछ भी कर सकते हैं और कैसी भी समस्या हो उसका निवारण उसका समाधान हमें मिल जाता है, हम विजेता होते हैं, विजयी होते हैं कन्हैया जी के जैसे। तो कन्हैया लाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे, आप ऐसे ही योग अपना और आयुर्वेद का पालन करते रहना, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरा नाम साधना है और मैं अमेरिका से आई हूँ, अमेरिका में पोर्टलैंड से आई हूँ। मुझे कुछ समय पहले बहुत भयानक रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था और हालत ऐसी थी कि मैं ट्रे भी नहीं पकड़ पाती थी, ट्रे पकड़ने पर भी मेरे हाथ कांपते थे। डॉक्टरों से सलाह ली, एलोपैथी डॉक्टर्स ने बताया कि आपको स्टेरॉइड्स पे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे स्टेरॉइड्स पे जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे हमेशा से ही नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में विश्वास रहा है। तो उसी समय हमारे कनाडा में बाबा रामदेव की मेडिसिन की एक दुकान खुली थी, तो हम सीधे वहाँ गए और वहाँ जाकर मैं थोड़ी बहुत जो दवाइयाँ उन्होंने दी वो ली। यूट्यूब पे बाबा का जो वीडियो था, मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर पे जो बाबा का वीडियो था वो देखा, उसमें जो भी उन्होंने योग और थेरेपी बताई वो हमने की, प्लस वो मेडिसिंस ली। और अब मेरे घुटने बहुत अच्छे हैं, 80% ठीक हो गए हैं। बीच में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, इसलिए फिर मैं यहाँ पर, मुझे आने का एकमात्र मकसद था मुझे ऐसे महान युग पुरुष से मिलना था जो कि जिन्होंने योग को जन जन तक पहुंचाया है। मैं बाबा रामदेव की बहुत और पतंजलि योगपीठ की बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने हृदय से ये चाहती हूँ कि बहुत प्रगति हो, जन जन तक ये पहुँचे, ये समाचार पहुँचे कि योग और नेचुरोपैथी में कितना बल है। और मैं चाहती हूँ कि बाबा सदा सर्वदा चिरंजीवी हों और हमेशा हमारे आशीर्वाद देते रहें। मैं नितिन दीक्षित मेरठ से, और मैं अभी लास्ट हफ्ते पिछले सप्ताह ही आया हूँ और मेरे को कब्ज की कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी दिक्कत थी और काफ़ी साल से इस बीमारी से मैं ग्रस्त था और मेरे को ये नहीं पता कि मैंने कभी सुबह का नाश्ता क्या होगा, लेकिन यहाँ आके योगग्राम में मेरे को बहुत फ़ायदा पहुँचा है। जितना नाश्ता मुझे यहाँ करने को मिलता है इतना तो मैंने शायद पिछले 10 साल में कभी किया नहीं होगा और मैं अब काफ़ी ठीक हूँ। यहाँ आने से पहले मेरी आँखों में काफ़ी सूजन थी, आराम थी और मतलब आराम नहीं हो पा रहा था, खाना मैं ठीक से नहीं खा पा रहा था और ना मुझे इतनी भूख लगती थी, मतलब भूख थी लेकिन मैं खाना नहीं खा पा रहा था और मुझे लीवर में प्रॉब्लम था। मैंने एलोपैथी को ना दवाई लेके बाबा रामदेव के यहाँ योगग्राम अपना इलाज कराया जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ और मेरे को काफ़ी डिप्रेशन हो गया था जिससे, और चेहरे पर थकावट रहती थी और जिसकी वजह से मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। और मेरी वाइफ को आरती, जिनको मैंने 2022 में यहाँ इलाज कराया था अस्थमा का, उनसे पहले उनका 7 साल से अस्थमा था और मैंने मेरठ में ही एक वरिष्ठ डॉक्टर से उनका इलाज कराया था जिन्होंने ये कह दिया था कि उनका जो अस्थमा है इनहेलर वो एक चश्मे की तरह नहीं उतरने का, जैसे नज़र वालों के लिए चश्मा रहता है, लेकिन यहाँ आके उनको इतना अच्छा अनुभव हुआ और उनका इलाज इतना अच्छा हुआ कि आज उन्हें इनहेलर की तो ज़रूरत पड़ती नहीं और यहाँ की जो दवाई, जो उपचार बताया गया था, जो उपचार क्रम बताया गया था वो भी उसके अनुसार आज वो बिल्कुल ठीक है और योग द्वारा और यहाँ की बताई हुई उपचार विधि से वो सही है। और मैं बाबा जी का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा
कि उनके सोने देने से हम काफ़ी सही हो गए हैं। और मैं ही चाहूँगा कि इतना अच्छा इलाज हुआ है, इतना अच्छा यहाँ की व्यवस्था है। और साथ ही मैं सभी भाई बंधु जो इस यहाँ प्रांगण में जितने भी बंधु हैं काफ़ी अच्छे नेचर के हैं, सब सहयोग करते हैं और इतना अच्छा इलाज हुआ है कि मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं मोहनलाल सैनी डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से, 20 साल से मेरे को नींद की प्रॉब्लम थी, जब से मैंने होश संभाला शायद कभी याद ही नहीं आराम से कब सोया हूँ। यहाँ योग ग्राम आश्रम में आने से, बाबा जी के आशीर्वाद से 2 दिन में मुझे कम से कम भी 60% आराम है। दिन में कभी सोता ही नहीं था, अब दिन में भी सोया हूँ और रात में बढ़िया नींद आ रही है और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ।